वज़रा शरीफ फैमिली की करप्शन को मीडिया पर दिखाएं, वजीर आजम की हिदायत। शरीफ फैमिली पर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं। हमजा सलमान और इनके मुलाजमों ने मनी लॉन्ड्रिंग की, मजीद केसेस भी अदालतों में आएंगे। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में गुफ्तगु हुई है, इस पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदा आकिब तनवीर से। जी आकिब, इस इजलास के हवाले से बताइएगा, वजीर आजम इमरान खान का मजीद क्या कहना था? जी जैनब, जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास था, उसमें वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कहा गया कि जो शरीफ फैमिली के ऊपर करप्शन के केसेज हैं उसके ऊपर तफसीली गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म ने वज़रा को जो शरीफ फैमिली के करप्शन केसेज हैं उनको मीडिया पर लाने की हदायत जारी की है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि शरीफ फैमिली पर मनी लॉन्ड्रिंग के भी केस हैं और मनी लॉन्ड्रिंग के जो केस हैं उसमें हमजा शहबाज, सलमान शहबाज और इनके जो मुलाजमीन हैं उनकी जानिब से जो करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग भी की गई, क्योंकि अब तक तो नैब में इनके खिलाफ केसेस चल रहे थे जो पिछले केसेस थे, लेकिन अब इतना डाटा हमारे पास भी इकट्ठा हो चुका है कि हम इनके ऊपर जो मजीद केसेस हैं वो भी दायर कर सकते हैं, अदालतों में भी जाएंगे। और वज़रा को भी उन्होंने हदायत जारी की कि वो मीडिया के ऊपर आकर भी जो शरीफ फैमिली की करप्शन है उसको बेनकाब करें, हर फोरम पर भी इनको बेनकाब करना भी चाहिए। और इजलास में मजीद गुफ्तगू भी की वज़ीर आज़म इमरान खान ने, उनका कहना था कि जो डाटा अब तक हमारे पास इकट्ठा हुआ है वो इतना डाटा अब हमारे पास और सबूत इतने मिल चुके हैं कि हम अदालतों में जाके इनके खिलाफ जो करप्शन के केसेज है वो मजीद केसेस भी खुलवाएंगे, क्योंकि शरीफ फैमिली की जानिब से मनी लॉन्ड्रिंग भी की गई और इससे पहले जो नैब की जानिब से इनके ऊपर केसेज आए थे वो भी अभी केस चल रहे हैं, और अभी तक जो पिछले केस थे उनके फैसले कुछ सामने आए हैं, कुछ के ऊपर इनको जमानतें जो है वो भी दी गई हैं। लेकिन अब जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ हुकूमत है वो अपने तमाम सबूत के साथ और डाटा के साथ नए जो केसेज है वो भी अदालतों में शरीफ फैमिली के खिलाफ दायर करेगी, ताकि जो इनकी करप्शन है वो सामने आ सके और वज़रा जो है वो भी वाज़े तौर पे मीडिया के ऊपर भी और हर फोरम के ऊपर उनको हदायत जारी की गई है कि वो शरीफ फैमिली के खिलाफ जो सबूत हैं वो भी सामने रखें और इनके खिलाफ जो केसेज चल रहे हैं, जो इनकी करप्शन है उसको भी बेनकाब करें। जी ठीक है, शरीफ फैमिली के करप्शन केसेस को मीडिया पर दिखाया जाए, वज़ीर आज़म की जानिब से ये हिदायत की गई है। बहुत शुक्रिया आपका आकिब तनवीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे।